नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से TGT और PGT के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो गई है और लगभग 15,000 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। जीव विज्ञान को सब्जेक्ट नहीं माना है, यानी कि जो TGT और PGT के पदों का जो विस्तृत विज्ञापन है उसमें जीव विज्ञान को नहीं रखा गया है। दोस्तों, ये ऑनलाइन की जो पंजीकरण प्रक्रिया है वह 29 अक्टूबर से शुरू हो गई है और ऑनलाइन शुल्क 29 अक्टूबर से जमा किया जा सकता है और अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 27 नवंबर अंतिम तिथि इसकी होगी पंजीकरण की, और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी वो भी 27 नवंबर होगी और ऑनलाइन आवेदन की जो तारीख होगी वो 30 नवंबर होगी, यानी कि 29 अक्टूबर से 27 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जा सकेंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा संशय योग्यता को लेकर है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा बन रहा है और हमारी योग्यता क्या है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा संशय बरकरार रहता है। दोस्तों, निश्चित रूप से मैं सारी जितनी भी योग्यताएँ जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी जो योग्यताएं हैं उनको लेकर के मैं एक सीरीज़ वाइज आज से कल तक आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा बनना है, क्योंकि एक महीने तक ये आवेदन होने हैं 29 तारीख से 27 नवंबर तक। तो जल्दबाजी में आप लोग फॉर्म मत फिल कीजिएगा, पूरी तरीके से विज्ञापन को पढ़ने के बाद, अपनी अर्हता को देखने के बाद ही फॉर्म को फिल कीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो EBSW है उस आरक्षण को यहाँ पे बिल्कुल 10% इसमें दिया जाएगा, विज्ञापन में इसका जिक्र कर दिया गया है। और तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज की व्यवस्था की गई है और एक वर्ष की सेवा में उनको 1.75 जो है अंक दिया जाएगा और अधिकतम 35 अंक वेटेज दिया जाएगा। ये तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज की बात की गई है और यहाँ पे एक चीज़ और स्पष्ट कर दी गई है विज्ञापन में कि एक विषय के लिए आप एक आवेदन कर सकते हैं, यानी अगर कोई भी अभ्यर्थी दो विषयों की अर्हता रखता है तो उसको दो जो है आवेदन करने होंगे, एक विषय पर एक ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 750, EWS के लिए 450 रुपये, OBC के लिए 750, SC के लिए 450 और ST के लिए 250 रुपये शुल्क की व्यवस्था की गई है। और अगर वहीं प्रवक्ता की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 750, EWS के लिए 650, OBC के लिए 750 और SC के लिए 450 और ST के लिए 250 रुपये शुल्क की व्यवस्था इसमें की गई है। और दोस्तों, इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, www.upsessb.org पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन पहले पूरा विज्ञापन पढ़ने के बाद ही आप अपने सब्जेक्ट की योग्यता देखने के बाद ही आप इसमें फॉर्म फिल करें, क्योंकि एक बार अगर आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया तो दूसरा आवेदन करेंगे तो उसके लिए आपको अलग शुल्क देना होगा। दोस्तों, TGT लिखित परीक्षा की अगर बात करें तो TGT भर्ती के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की 500 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और ये 500 अंकों की परीक्षा होगी, इसमें कुल 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 4 अंकों का होगा। और साथ ही साथ जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए जो मानक होगा वो 465 का होगा और उनको 35 अंकों का वेटेज, अधिकतम 35 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। इसी प्रकार जो प्रवक्ता की भर्ती है उसकी लिखित परीक्षा के लिए 85% अंक के साथ 10% साक्षात्कार और 5% अंक विशेष योग्यता के लिए दिए जाएंगे। और जो परीक्षा होगी PGT की वो होगी 425 अंकों की और साक्षात्कार 50 अंक का होगा, 24 अंक की विशेष योग्यता। और इस प्रकार पूरी जो प्रक्रिया होगी प्रवक्ता भर्ती के लिए वो 500 अंकों की होगी। परीक्षा में 125 सवाल होंगे, सभी सवाल जो है 3.4 अंक के होंगे, ठीक है। तदर्थ प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 390 अंक की होगी और हर सवाल पर उन्हें 3.12 अंक दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें पूरी तरीके से इस विज्ञापन में हर चीज़ क्लियर कर दी गई है। और अगर TGT की बात करें तो TGT में गणित, हिंदी और विज्ञान के बहुत ज़्यादा
पद हैं, गणित के 1822, हिंदी में 1742 और विज्ञान में 1741। उसके बाद अंग्रेजी में 1587 पद हैं, सामाजिक विज्ञान में 1392 पद हैं। दोस्तों पूरी तरीके से विज्ञापन पढ़ने के बाद ही जो है आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें, क्योंकि एक बार अगर आपने गलत आवेदन सबमिट कर दिया तो 750 रुपये आपको दोबारा देने होंगे दूसरे फॉर्म के लिए। तो दोस्तों विज्ञापन को पढ़िए और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कीजिए।